नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। आधार में नाम जुड़वाने के नाम पर ठगी, फिंगरप्रिंट मशीन की मदद से कई महिलाओं के अकाउंट से निकाल लिए पैसे। जी हां, बेगूसराय में अपराध की बढ़ती वारदातों के बीच ठगी का भी मामला आए दिन सामने आ रहा है। कम पढ़े लोग इन ठगों का शिकार बन रहे हैं। ताजा मामला चेरिया बरियापुर थाना क्षेत्र के सकरौली गांव का है, जहां राशन कार्ड और आधार कार्ड में नाम जुड़वाने के नाम पर बैंक अकाउंट से हजारों रुपये ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया है। इस ठग ने एक महिला के अकाउंट से 5,000 और दूसरी महिला के अकाउंट से 3,500 रुपये निकाल लिए हैं। इसके साथ ही इसने एक साथ कई लोगों को चुना लगाया है। इस बात का पता तब चला जब पैसे की निकासी का मैसेज महिला के पति के मोबाइल पर आया। जैसे ही बैंक से पैसे निकाले जाने का मैसेज आया, पति ने घर पर फोन कर दिया और इस संबंध में पत्नी से जानकारी ली। तब पता चला कि आज वह बैंक गई ही नहीं है। यह सुनकर वह हैरान रह गया। आनंद फानन में वह घर पहुंचा, तब पता चला कि एक व्यक्ति बायोमेट्रिक मशीन को लेकर घर पर आया था, जो आधार और राशन कार्ड में बच्चों का नाम जुड़वाने की बात कह रहा था। इस दौरान उसने अंगूठी का निशान भी लिया था। फिंगरप्रिंट मशीन में अंगूठा लगाते हुए पैसे की निकासी कर ली गई। इस दौरान युवक खुद को ब्लॉक का कर्मचारी बता रहा था। आधार कार्ड बनाने और राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की बात कह पहले लोगों को अपने झांसे में लेता था, फिर अंगूठे का निशान लेकर बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेता था। बिहार के बड़े सरकारी अस्पताल में नर्स की करतूत, 1,000 बख्शीश नहीं देने पर बदल दी बच्चा बेटा के बदले बेटी थमा दी। बिहार के एक बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसी घटना सामने आई है जो अचंभित करने वाली है। दरअसल एक नर्स की करतूत सामने आई है जो काफी हैरान कर देने वाली है। 1,000 रुपये बख्शीश नहीं देने पर नर्स ने अस्पताल में एक महिला का बच्चा बदल दिया और उसे बेटा के बदले बेटी थमा दी। लोगों के बीच इस घटना की काफी चर्चा है। दरअसल मामला मुजफ्फरपुर के SKMCH से जुड़ा है, जहां मातृ शिशु सदन में एक नर्स ने गर्भवती महिला का बच्चा बदल दिया। बताया जा रहा है कि बलुआ गांव की रहने वाली पूजा देवी को प्रसव के लिए SKMCH लाया गया था। रविवार की रात पूजा ने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद नर्स सुनीता कुमारी बख्शीश के रूप में 1,000 रुपये मांगने लगी। पूजा देवी के परिजन नंदू कुमार ने बताया कि 1,000 रुपये नहीं रहने के कारण उन्होंने कहा कि 500 रुपये ले लीजिए, लेकिन नर्स सुनीता 500 में नहीं मानी। फिर पूजा के परिजनों ने जैसे तैसे करके 800 रुपये इकट्ठा कर सुनीता को दे दिया, जिसके बाद उसने पूजा को बच्चा सौंप दिया। अगले दिन सोमवार की सुबह जब बच्चे को तेल लगाने के लिए कपड़े से बाहर किया गया तो वह बेटी निकल गई, जिसके बाद उनके परिजन चारों तरफ खोजबीन करने लगे। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि सुनीता ने कुड़नी के रहने वाली सुजाता देवी की बेटी से पूजा के बेटे को बदल दिया है। खुद सुजाता ने बताया कि उसकी बेटी हुई थी, लेकिन नर्स सुनीता ने उसके पास बेटा लेकर दे दी। सुबह में जब नवजात ने पेशाब किया, उसके बाद पता चला कि यह लड़की नहीं लड़का है। पूजा के परिजनों से कहा गया है कि वह लिखित शिकायत करे, सख्त एक्शन होगा। अस्पताल प्रबंधक संजय शाह ने बताया है कि पुत्र और पुत्री बदलने का मामला सामने आने के बाद छानबीन की गई, लेकिन यह मानवीय भूल के कारण ऐसा हो गया था। सब कुछ सामान्य हो गया है। ई नाम से बढ़ी किसानों की इनकम, मनोज कुमार सिंह बोले वरदान साबित हो रहा है पोर्टल। केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आय को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, इनमें से एक है ई नाम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने में सहायता कर रहा है राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल। किसानों की आय बढ़ाने में ये पोर्टल मील का पत्थर साबित हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि ई नाम एक पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म है। कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,000 मंडियां हैं। पोर्टल पर एकीकृत 1.71 करोड़ से अधिक किसान और 1.74 लाख से अधिक व्यापारी हैं पंजीकृत। ई नाम के तहत किसान अपने नजदीकी बाजार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं और व्यापारी कहीं भी उनके उत्पाद के लिए मूल्य चुका सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी होगी। इसके माध्यम से मूल्यों का निर्धारण भली भांति किया जा सकता है और किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होगा।
पीएम मोदी के बर्थडे पर मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाएगी बीजेपी। 7 अक्टूबर तक चलेगा सेवा और समर्पण अभियान। बिहार बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेहद खास बनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि पूरे बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत होगी। इसका समापन 7 अक्टूबर को होगा। इन 20 दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की सेवा की जाएगी। इसी महीने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस साल का जन्मदिन खास है। दरअसल इसी साल नरेंद्र मोदी सत्ता की रणनीति में 20 साल पूरे कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, लिहाजा 7 अक्टूबर को वे राज्य या राष्ट्र के निर्वाचित प्रमुख के रूप में लगातार 20 साल पूरा कर लेंगे। उससे पहले वे आरएसएस स्वयंसेवक हुआ करते थे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने सेवा और समर्पण कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। 17 सितंबर से कार्यक्रम शुरू होगा और 7 अक्टूबर को समाप्त होगा। हड़ताल खत्म करेंगे नगर निगम के सफाई कर्मी, पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना हाईकोर्ट ने पिछले कई दिनों से चल रही नगर निगम कर्मियों की हड़ताल को खत्म करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सफाई कर्मियों की हड़ताल मामले पर सुनवाई हुई है, जिसमें हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने नगर निगम में चल रही हड़ताल के मामले पर सुनवाई की, में सफाई कर्मियों को हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने का आदेश दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निगम कर्मियों की मांगों को सुनकर 8 सप्ताह के अंदर निर्णय पारित करने का निर्देश दिया है। अब बिहार में सरकारी जमीन बेचकर धोखाधड़ी करना नहीं होगा आसान, नीतीश सरकार ने बनाया है जबरदस्त मॉडल। बिहार में अक्सर आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलती होंगी कि यात्रियों ने सरकारी जमीन निजी हाथों में बेच डाली, लेकिन अब बिहार के अंदर ऐसा करना आसान नहीं होगा। अब कोई भी जालसाज सरकारी जमीन बेच नहीं पाएगा, सरकारी जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं होगी। अगर सरकार खुद किसी जरूरतवश रजिस्ट्री करना चाहे तो उस पर रोक नहीं रहेगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राज्य के सभी सरकारी भूखंडों की जानकारी निबंधन विभाग को देगा। निबंधन विभाग उस प्लॉट की जानकारी जिलावार अपने कार्यालयों को भेज देगा और उस भूखंड की रजिस्ट्री बिना सरकारी अनुमति के नहीं होगी। सरकारी जमीन पर विवाद का मुकदमा हारने पर लापरवाह कर्मियों से राशि वसूलने का आदेश देने के बाद राजस्व विभाग का विवाद कम करने का यह नया फंडा है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने क्षेत्र के सभी सरकारी भूखंडों की सूची बनाने का आदेश सभी अंचलों को दे दिया है। इससे जुड़ा पत्र सभी डीएम को दिया गया है, ताकि वह पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा सके। पटना में डीएल का बैकलॉग खत्म, पेपर आने से स्मार्ट कार्ड की प्रिंटिंग हुई तेज। पटना के डीटीओ में पेपर का नया लॉट आने से स्मार्ट कार्ड की प्रिंटिंग तेज हो चुकी है। इससे बैकलॉग खत्म हो गया है और उन सभी लोगों का डीएल और आरसी प्रिंट हो चुका है जो लगभग एक महीना से अधिक समय से इसके नहीं पहुंचने के कारण परेशान थे। पिछले सप्ताह इन लोगों के घर डीएल और आरसी पोस्ट से डिस्पैच कर दिया गया है और अब लोगों को यह मिलने भी लगा है। डीटीओ कार्यालय के मामले से जुड़े अधिकारी और कर्मियों की माने तो अगले 3-4 दिनों में सभी लोगों को उनका डीएल और आरसी उनके घर पर मिल जाएगा। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण के प्रत्याशियों को आवंटित हुआ चुनाव चिन्ह, रही गहमागहमी। पीलागंज जिला पार्षद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6, 7 व 8 में नाम वापसी के बाद कुल 34 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 से 12, 7 से 15 व 8 से 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में जीत के लिए जोर लगाएंगे। सोमवार को इन उम्मीदवारों के बीच अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार ने चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। गुरारू प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम दिन नामांकन को लेकर पूरे क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल दिखा। सोमवार को प्रखंड की सभी पंचायतों से लेकर अलग अलग पदों के लिए 256 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। प्रखंड मुख्यालय में सोमवार को सुबह से ही प्रत्याशी और उनके समर्थक की भारी भीड़ दिखी। मुखिया पद के लिए कुल 27 लोगों ने नामांकन किया, जिसमें 11 महिला व 16 पुरुष ने नामांकन किया। पंचायत समिति सदस्य के लिए 6 महिला व 5 पुरुष ने नामांकन किया। सरपंच के लिए कुल 9 लोगों ने नामांकन किया, जिसमें 3 महिलाएं शामिल रही।
गया में इस साल भी नहीं लगेगा विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला। पिंडदान के लिए विशेष निर्देश जारी। बिहार के गया में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला इस बार आयोजित नहीं किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने इसे लेकर कई निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस तरह के बड़े आयोजन को अभी अनुमति नहीं दी गई है। मीडिया के अनुसार जो पिंडदानी सीमित संख्या में आ रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ने बिहार और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस साल पितृ तर्पण के लिए गया नहीं आवे। बड़ी तादाद में आने वाले समूहों को रोका जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन पहले वायरल बुखार और अब डेंगू ने राजधानी पटना के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पटना के ज्यादातर इलाके तेजी के साथ डेंगू से प्रभावित होते जा रहे हैं। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण स्वास्थ्य महकमा भी परेशान है। पिछले 3 दिनों से 16 डेंगू पीड़ितों की रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय को भेजी गई है। पटना में 3 डेंगू पीड़ित IGIMS में भर्ती है। शहर के कई निजी अस्पतालों में भी डेंगू पीड़ित इलाज कराने पहुंचे हैं। डेंगू का प्रकोप शहर के गुलजारबाग, दरियापुर, दानापुर, चैलीटाल, बैरिया, महेंद्र, अगमकुआ, सिपारा आदि इलाकों में है। सिविल सर्जन कार्यालय को इस माह यानी कि पिछले 12 दिनों में अलग अलग अस्पतालों से 28 मरीज मिले हैं। IGIMS मेडिसिन विभाग के वरीय चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने बताया है कि OPD में डेंगू के मरीज हाल के दिनों में बढ़े हैं। 3 मरीजों को भर्ती किया गया है। इसी तरह PMCH और अन्य निजी अस्पतालों की OPD में भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने बताया है कि वायरल डेंगू अथवा अन्य संक्रमण से पीड़ित बच्चों के बारे में जानकारी हासिल हो सके, इसके लिए विशेष एक टीम बनाई गई है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।